जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आइडिया होता रहेगा जब आप S3 बकेट सर्विस का यूज़ करोगे, EC2 सर्वर का यूज़ करोगे जहाँ पे आप एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे होगे, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब क्या इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं ठीक है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। बेसिक यहाँ पे कोडिंग नहीं है, है ना। अब इट्स ऑल डिपेंड, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिशनर की बात करता हूँ तो पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी सर्विसेज का, ज़्यादा खेल। स्वागत है जी आपका एक और नए कमाल वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS के बारे में, Amazon वेब सर्विसेज। समय बदला, चीज़ें बदली, और आज जितनी कंपनीज हैं मार्केट में, फिर चाहे मिड कैप कंपनीज हों, बड़ी कंपनीज हों, सभी कंपनीज अपनी एप्लीकेशन को माइग्रेट कर रहे हैं क्लाउड की ओर। सो अगर आप एक डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, टेस्टर हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हैं, या फिर टेक्निकल लीड हैं, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं AWS के अंदर, अगर आप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूमिंग तो हो जाएगी, और फिर टेक्निकली हो, और फिर या फिर किसी को समझाना हो, किसी को सोल्यूशन देना हो। और AWS प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँगा, जो एक स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन होता है जिससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो अबाउट सर्विसेज, अबाउट यूज़ केस, सिक्योरिटी। आज कंप्लीट इस सेशन, ये पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्योंकि जब हम क्लाउड सर्विस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पैस क्या है, सैस क्या है, इन सब चीज़ों के साथ में एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए AWS सर्टिफिकेशन करना। इवन मैं खुद AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन अभी कर रहा हूँ ठीक है, और वो सब मैं आगे अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको, बट पहले बेसिक अगर फंडामेंटल समझ जाएंगे तो फिर आगे सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी ठीक है। देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करना गाइज, मैंने एम रखा है इस पे 2500 लाइक्स का। अगर हम कर लेते हैं, मैं आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा, ऐसी AWS पे और वीडियोस इंटरेस्टिंग बनाता रहूँगा। तो AWS को मैं भी समझाता हूँ आपको कि Amazon वेब सर्विस क्या है, क्लाउड सर्विसेज क्या है, बट अभी हम एक यूज़ केस पकड़ेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको और ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे ठीक है। सबसे पहले अब क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ऐसा है कि मैं आसमान में, क्लाउड में कहीं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्लाउड अपने आप एक मशीन है जिसमें स्टोरेज भी होगा, रैम भी होगी राइट, और नेटवर्क रिसोर्सेज भी होंगे जहाँ पे मेरी वेबसाइट होगी, और मेरी वेबसाइट वहाँ से उठ के आ रही होगी ठीक है। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑन डिमांड रिसोर्सेज एक्सेस ओवर द इंटरनेट, जब मुझे ज़रूरत होगी मुझे वो मेरे रिसोर्सेज मुझे मिल जाएंगे। अब जो नॉर्मली आप गो डैडी से सर्वर बाय करते हो, वहाँ से होस्टिंग परचेज करते हो, है ना, अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़राब है, वो भी चीज़ अच्छी है, बट क्लाउड क्या है कि अब एक आप जैसे नॉर्मल आपने गो डैडी से लिया, आपने वहाँ पे एक अमाउंट दिया और उस अमाउंट पे आपने सर्विसेज ले ली ठीक है, बट मान लीजिए सडनली आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे यूज़र्स आने लग गए, मिलियंस ऑफ यूज़र आ गए, आपका सर्वर बैठ जाएगा, आपकी साइट डाउन हो जाएगी, तो उस केस में वो सोल्यूशन बेकार हो गया। क्लाउड में क्या है, आपको स्केल अप करना है, यूज़र्स बढ़ गए हैं, आपको डाउन करना है, अप करना है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको पता है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ऑन डिमांड रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, जब आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप कॉस्ट पे करोगे, जितना आप यूज़ करोगे आपको उतना पे करना है ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है स्केलेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि डाउन टाइम तो कम रहे, अगर मान लीजिए आपको कुछ नए चेंजेस करने हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो तो रहे ही ना, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, यूज़र के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है ठीक है। कंप्यूटिंग इज़ व्हाट, कंप्यूटिंग इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेटजीज राइट, आप उनको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बहुत बेटर कर सकते हो। एंड क्लाउड इज़ नथिंग, क्लाउड इज़ जस्ट एक आपकी एक मशीन है ठीक है, काइंड ऑफ सर्वर मशीन है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है राइट, सैस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस राइट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जैसे आप देखते हो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, अमेजन प्राइम यूज़ करते हो, ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हो राइट, आप डेटा स्टोर करते हो वहाँ पे। अब ये थोड़ी आपके मोबाइल में डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपका ड्राइव पे डेटा स्टोर हो रहा है, आपकी ID कन्फिगर है, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो ठीक है। तो अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बात करते हैं सैस की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बहुत सारे CRM बने हुए हैं, बने बनाए हैं, कंपनी को कुछ नहीं करना, बस वो टूल यूज़ करना, अपना काम करना है, डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड पे ठीक है, या सर्वर पे यू कैन से। और ऐसे ही प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे वो भी एक अपने आप में सर्वर है, मशीन है, जैसे अपाचे, आपको बहुत सारे
एप्लीकेशंस बंडल मिल जाएंगे जिन्हें आप एज अ डेवलपर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, अभी AWS पे आता हूँ, बट द थिंग इज़ कि अभी मैं सब आपको टर्म्स बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, एंड ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। अब वहाँ पे क्या है कि पूरा कंट्रोल, मतलब सब कुछ आप ही सेटअप करोगे, आप खुद का एक डेटा सेंटर क्रिएट करना चाहते हो कि सब कुछ मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी टीम ही एक्सेस कर रही हो, इन दैट केस आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जा सकते हो। इट्स ऑल डिमेंड कि आपको नीड क्या है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, यू कैन गो विथ SaaS, बट किसी उस केस में फिर SaaS की तरफ जाओगे थोड़ा कॉस्टली रहता है वो, ठीक है। इफ़ आई कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से, तो आपको पता है जैसे आप अभी कोडिंग टेस्ट देते हो, अभी जैसे आप अभी मैं अपनी मशीन पे टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे जावा खुद इंस्टॉल करना है, मान लो जावा पे टेस्ट देना है, या फिर मैं जावा पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब आप ऑनलाइन जाते हो, आप कोड कंपाइल करते हो अपना, और उस केस में बस आपका इंटरनेट चाहिए, बाकी जो कंपाइल हो रहा है सब कुछ है वो जो सर्विस है, अब वो जहाँ पे भी होस्ट है, ठीक है, क्लाउड पे होस्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो सारा कंट्रोल उन लोगों का है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपको उसके लिए जावा सेटअप नहीं करना, आपको PHP सेटअप नहीं करना, सब कुछ सेटअप है। तो एज अ सर्विस मान लीजिए आप xyz.com पे गए, उन्होंने एज अ सर्विस आप उस पूरी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है क्लाउड पे, कुछ सर्विसेज बाय कर रखी हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हो, उसके हिसाब से स्कोर आ रहा है और वो स्कोर कंपनी को शेयर हो रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे नॉर्मल जो क्लासिक डेटा सेंटर रहता है हमारा, जहाँ पे जिसमें हम नॉर्मल GoDaddy से बाय कर रहे हो आप, वहाँ प्रॉब्लम यही है स्केलेबिलिटी की। वर्चुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है Amazon, Flipkart जब अपना इनका बिग बिलियन डे होता है, एकदम से यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े उस टाइम पे ये रैम बाय कर रहे हैं। अब इतना यही तो एडवांटेज है, यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज आ जाती है, जैसे AWS है, Azure है, और भी हैं, बट AWS में ज़्यादा इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि चाहे मार्केट शेयर देख लो, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है क्लाउड सर्विस वो है AWS। दे रन टाइम पे आप बढ़ा सकते हो, वर्चुअल ही आप रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो अपने सर्वर का, ठीक है, और उस ताकि उस टाइम पे जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं ना लोड बैलेंसिंग, राइट, वो हो जाए कि भाई ठीक है यहाँ पे आ रही है, कुछ यहाँ चली जाएं, और वो उस टाइम उनका बिग बिलियन डे बहुत अच्छा चला जाता है, ऐसा नहीं कि साइड डाउन है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग, ओन डिमांड रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, एंड जो आपका सर्वर है समहाउ स्केल अप स्केल कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, लो कॉस्ट है, फास्ट डिप्लॉयमेंट है विद नो डाउन टाइम, कोई आउटेज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखो ये तो ठीक है, ये एक टर्म है, बट अब जब आप एज अ AWS जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, मानोगे, और आपको सारी नहीं सीखनी। जैसे आप स्टार्टिंग टाइम में जाओगे, जैसे एक सर्विस का आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लाउड वॉच। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मैंने कहा कि आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो एक साल आपको फ्री मिलता है, अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप यूज़र क्रिएट करोगे, उसमें एक IAM यूज़र भी क्रिएट हम करते हैं, मल्टीपल यूज़र, मान लीजिए अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हो किसी के साथ, तो वहाँ पे आप यूज़र्स क्रिएट करते हो और उसके बाद फिर सर्विसेज को यूज़ करते हो, अपना आपको बैंक डिटेल डालनी होती है, तो क्लाउड वॉच क्या होता है, आपको इंटीमेट कर देगा कि भाई आपका टाइम खत्म होने वाला है, इस सर्विस का काम ये है कि तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, अपना रिचार्ज कर लो या फिर डिसकंटिन्यू कर लो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं, S3 बकेट है, ठीक है, अब वहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, है ना। वहीं अगर आपको एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो EC2 करके सर्वर है, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हो। तो ये बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, और वो आप पहले, बट ये है कि एज अगर आपको जाना है तो AWS प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन आपको करना होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी, है ना, कितना सिक्योरिटी, क्योंकि बिकॉज सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप ऑफ सर्विसेज, राइट, इन सब चीज़ों के साथ आप फैमिलियर होते हो, फिर आप ये सर्टिफिकेशन निकालते हो, फिर आप AWS प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कर लेते हो, फिर आगे आपको DevOps में जाना है या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जाना है। अब सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करता है, वो सोल्यूशन डिज़ाइन करेगा, वो बताएगा कि भाई कौन सी सर्विस यहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी यहाँ पे बेस्ट फिट रहेगी, ये उसका काम है। बट उससे पहले उसको सारा ज्ञान तो होना चाहिए ना कि इन सर्विसेज का मतलब क्या है, कितने रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पे एक्सेस देना है, कहाँ पे नहीं देना है, क्या मेरी एक्साइड एक्सेस UK में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की प्लानिंग कौन करता है, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो आज के टाइम पे गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आजकल, हर कंपनी माइग्रेट कर रही है अपने आप को क्लाउड पे, तो इससे एडवांटेज क्या है कि जितना मैं यूज़ करूँगा मुझे उतना ही पे करना। अगर आप खुद ये सब सेटअप करने बैठ जाओ, मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको प्रॉपर एक टीम बिठानी पड़ेगी और फिर उसको आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। समटाइम आप उतना यूज़ नहीं कर रहे बट पैसा तो जा रहा है, तो ये आपको इंश्योर करता है AWS कि भाई आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है, दैट्स इट। सो ये एक बेनिफिट रहता है जब आप क्लाउड सर्विसेज की ओर जाते हो। अब जैसे बात करते हैं अभी
AWS Practitioner Certification की, तो इसके लिए आपको करना क्या है? अब क्या इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम. बेसिक यहाँ पे कोडिंग नहीं है, है ना. अब इट्स ऑल डिपेंड. जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिशनर की बात करता हूँ, तो पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी. सर्विसेज का ज़्यादा खेल है. अब कहीं ना कहीं अगर आप AWS करते हो सर्टिफिकेशन, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी को तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी कंपनी में अगर आप बोलते हो कि मैंने कर रखा है. इवन कंपनीज स्पॉन्सर करते, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो वो पैसा आपका रिम्बर्स हो जाता है. अब नो डाउट गाइस, स्किल्स डेवलप होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी, राइट. AWS कम्युनिटी के साथ आप ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो. हर साल AWS सबमिट होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो नया क्या आने वाला है, कैसे और बेहतर हो रहा है. तो इस तरीके के अगर आप एक बार जाओगे इस फील्ड में, तो आप ऑटोमेटिकली और बेटर धीरे धीरे होते जाओगे. अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि 90% IT लीडर्स जिन्होंने AWS सर्टिफिकेशन किया है, उनकी मतलब सर्टिफिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली 90% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. इवन 89% वो और ज़्यादा फास्ट हो गए ट्रबल शूटिंग करने में. तो दिस इज़ वेरी गुड. अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इंडस्ट्री को, कंपनी को फ़ायदा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ पैसा, ठीक है. सो अगर बट येस बिफोर लाइक अगर आपको एग्ज़ाम करना है, अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? आपके पास 6 मंथ का नॉलेज होना चाहिए लाइक AWS क्लाउड, राइट. और नॉलेज होना चाहिए आपको AWS सर्विसेज का, और बिलिंग एंड प्राइसिंग मॉडल कैसे काम करता है, कैसे क्लाउड वॉच यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए. हाउ क्लाउड इम्पैक्ट योर बिजनेस, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, उन सब का आपको आइडिया होना चाहिए. उसके बाद यू कैन गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन जो कि है AWS, जो एकदम स्टार्टिंग फंडामेंटल वाला सर्टिफिकेशन है. अगर आप कर ले तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा. उसके बाद यू कैन डिसाइड कि मुझे डेवऑप्स में जाना है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जाना है, इट्स अप टू यू. बाकी मैंने जो मेन यूजफुल रिसोर्सेज है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, यू कैन ऑल्सो गो एंड रेफर, ठीक है. क्या आपको कोई वैसे एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए? नहीं, आप कभी भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कुछ लोगों के माइंड में, भैया कोडिंग भी है यहाँ पे? नहीं, कोडिंग एज सच नहीं है, कॉन्फिगरेशंस ज़्यादा हैं, चीज़ों को समझने वाला पार्ट ज़्यादा है, कैसे यूज़ करना है सर्विसेज को वो ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्या मुझे कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे इसको करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो एकदम ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है. तो जो भी आपने सर्विसेज पढ़ी हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन उसी के अराउंड रहते हैं. तो इवन बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं इंटरनेट पे, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड रेफर, और उतना काफ़ी है. एंड दिस इज़ वेरी बेसिक, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, और जो कॉन्फिडेंस आएगा बिलीव मी गाइस वो अलग लेवल का होगा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आज आप काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन कर रहा हूं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा मिलेगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप तैयार हो गए हो? कॉन्फिडेंस है, जैसे जैसे आप चीज़ें करते रहोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगने लग जाएगा हाँ मुझे चीज़ें अब मैं समझ पा रहा हूँ, चाहे फिर वो कॉन्फ़िगरेशन वाइज हो. ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आइडिया होता रहेगा. जब आप S3 बकेट सर्विस का यूज़ करोगे, EC2 सर्वर का यूज़ करोगे, जहाँ पे आप एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे होगे, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है. बट nowadays guys everything is on cloud. आप जो अपने मोबाइल पे ऐप्स यूज़ करते हो सब चीज़ें क्लाउड पे हैं. एंड इसीलिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, हर कोई क्लाउड सर्विसेज की ओर जा रहा है, क्योंकि फ़ायदा तो है उसके. इसमें फ़ायदा ये है कि आप खुद से सेटअप करोगे चीज़ें, ऐसा नहीं कि पॉसिबल तो वो चीज़ें भी हैं, बट मैं एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूँ, राइट. सो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, AWS क्या है, मतलब क्या पर्पस क्या है. तो इन सिंपल वर्ड्स AWS क्या है आपका, जो कंप्लीटली बेस्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, राइट. एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग, ऑन डिमांड रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, और AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, एंड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बहुत बेटर करते हो और कोशिश करते हो कि यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस. मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए, लाइक एम है 2500 का, इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड ऐसे मत जाना, लाइक करके जरूर जाना. अगर आपके माइंड में कुछ और पॉइंट हो तो प्लीज़ लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर. थैंक यू सो मच.